महाभारत हिंदू धर्म की एक ऐसी गाथा है जिसमें अनेक पात्र हैं। प्रत्येक पात्र अपने आप में ही एक पहेली है और प्रत्येक पहेली का उत्तर जरूर होता है और वह उत्तर समय आने पर ही हमें मिलता है। आज महाभारत की एक पहेली के उत्तर को तलाशने की कोशिश करेंगे। वह पहेली है कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र रणभूमि में कर्ण को देखकर क्यों भाग खड़े होते हैं। महाभारत गाथा में श्री कृष्ण को कई बार रण छोड़ भी कहा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि श्री कृष्ण डरपोक थे, बल्कि श्री कृष्ण अकालदर्शी थे। वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से ही भांप लेते थे और इसी अकालदर्शिता के चलते वह कई बार रणभूमि में अपने अनुकूल स्थिति ना होने के कारण रणभूमि से अलग भी हो जाते थे। यह घटना उस समय की है जब मृत्युशैया पर लेटे भीष्म पितामह ने मृत्यु को गले लगा लिया था। पांडवों के बीच अपने भीष्म पितामह को खो देने का शोक था, बल्कि कौरवों के बीच उनकी सेना के एक महत्वपूर्ण स्तंभ उनके सेनापति को खो देने का दुख था। कौरवों की सेना में हार के बादल मंडरा रहे थे, पर तभी भीष्म पितामह के स्थान पर रणभूमि में कर्ण आ डटते हैं, क्योंकि कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना की कमान एक शर्त पर ही संभाली थी कि वह तभी सेनापति रहेंगे अगर सूद पुत्र कर्ण इस युद्ध से बाहर रहेंगे, और कर्ण कौरवों का साथ तभी दे पाएंगे जब भीष्म पितामह की मृत्यु होगी। भीष्म पितामह की मृत्यु के पश्चात कर्ण के कौरवों की सेना में शामिल होते ही पांडव सेना में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण ने युद्ध भूमि में ऐसा युद्ध कौशल दिखाया जिससे यह सिद्ध हो गया कि कौरव इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। जीत का पलड़ा अब कौरव सेना की ओर झुकने लगा था, तभी कर्ण एक मंत्र उच्चारण करते हैं और उनके हाथ में एक अचूक शक्ति आ जाती है। तभी अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दक्षिण दिशा की ओर भगाकर ले जाते हैं। श्री कृष्ण का यूं डरकर भागना अर्जुन की समझ से बाहर था। श्री कृष्ण के चेहरे पर घबराहट देख अर्जुन उनसे पूछते हैं कि हे पार्थ, आखिर कर्ण को देखकर आपके यूं डरकर भागने की वजह क्या है। यह सुन श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैं अपने सबसे प्रिय अर्जुन को नहीं खोना चाहता। अर्जुन कृष्ण की यह बात समझ नहीं पाते। इतने में ही श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, कर्ण ने जिस मंत्र उच्चारण से अचूक शक्ति को प्रकट किया है उसका लक्ष्य तुम हो। तुम्हारे ही वध के लिए कर्ण ने इस शक्ति को अपने कवच और कुंडल दान देने के पश्चात इंद्रदेव से प्राप्त किया था, और इसी कारण ही मैं तुम्हें कर्ण से इतनी दूर ले आया हूँ, क्योंकि इंद्र की इस शक्ति का काट किसी के पास नहीं है। वह शक्ति जिसके भी स्पर्श में आएगी उसकी मृत्यु निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं इतनी आसानी से अपने प्रिय अर्जुन को खोने नहीं दूंगा। हमें कर्ण की इस शक्ति का काट तो ढूंढना ही पड़ेगा। यह सुनने के बाद अर्जुन उम्मीद भरी निगाहों से वासुदेव की ओर देखते हैं और अपना गांडीव धनुष उठाकर युद्ध के मैदान में डट जाते हैं। श्री कृष्ण को अब ऐसे योद्धा की तलाश थी जो कर्ण की शक्ति से अर्जुन को बचा सके। मैदान में सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भीम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम इतना महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा बहादुर पुत्र घटोत्कच कहाँ है? मैंने अभी तक उसे नहीं देखा। यह सुनते ही भीम घटोत्कच को युद्ध के मैदान में पहुँचने का आदेश देते हैं। अगले ही दिन घटोत्कच रणभूमि में आ पहुंचते हैं। युद्ध के मैदान में घटोत्कच दैत्य को देख कौरव और पांडव पक्ष दोनों ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी भीम और राक्षसी हडिम्बा के दैत्य पुत्र घटोत्कच को नहीं देखा था। घटोत्कच से हैरान कौरव अब अपनी मौत को सामने देख रहे थे, क्योंकि उन सभी के अस्त्र घटोत्कच का बाल भी भांका नहीं कर पा रहे थे। जल्द ही उसने कौरव सेना को तिनके के समान उखाड़ना शुरू भी कर दिया था। यह द्रोण अपनी सेना को बचाने के लिए कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि अब इस महासंकट को केवल तुम ही रोक सकते हो। इंद्रदेव से प्राप्त हुए दिव्य अस्त्र जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और हमारी लाचार पड़ी सेना को बचाओ। यह सुन कर्ण द्रोणाचार्य से कहते हैं कि इस दिव्य अस्त्र का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है आचार्य, और मैं इसका उपयोग केवल अर्जुन पर ही करना चाहता हूँ। कर्ण द्वारा अर्जुन के वध की बात सुनते ही द्रोण अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय थे और वह कभी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि कर्ण के हाथों अर्जुन का वध हो। इसलिए अब वह कर्ण को घटोत्कच को मारने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि जीवित रहोगे तब ही तो अर्जुन को मार पाओगे। तुम्हारी जिद की वजह से मैं कौरव सेना को संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए कौरव सेना के सेनापति के रूप में मैं आदेश देता हूँ कि तुम जल्द से जल्द दिव्य अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर करो। उसके बाद कर्ण दिव्य अस्त्र से घटोत्कच का वध कर देते हैं। घटोत्कच की मृत्यु से पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ जाती है, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर दुख की जगह खुशी नजर आ रही थी। आखिर श्री कृष्ण ने अपने प्रिय अर्जुन की रक्षा जो की थी। अब तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आखिरकार श्री कृष्ण कर्ण से डरकर क्यों भागे थे।
अगर आप अर्जुन और करण के मध्य का वह महायुद्ध देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर हमारी सभी वीडियोस का आनंद भी उठा सकते हैं। यह बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दे ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।